हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिशा। तो दोस्तों, घर में इस पांच जगहों पर मोर पंख रखने से खुश होते हैं भगवान कुबेर, होती है पैसों की बरसात। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों, यदि आप घर में इस पांच जगह पर मोर पंख रखते हैं तो दोस्तों आपके घर में भगवान कुबेर प्रसन्न होते हैं, यानी कि दोस्तों माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती है। तो चलिए जानते दोस्तों कौन सी पांच जगह जिस स्थान पर मोर पंख रखने से आपको लक्ष्मी की लाभ होगा। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, नंबर एक, पूजा घर। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा घर को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। दोस्तों, यहाँ मोर पंख रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। मोर पंख को मंदिर में मुख्य देवता के सामने या धन की देवी लक्ष्मी की मूर्ति के पास रखने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों अवश्य रखिएगा। तो दोस्तों, नंबर दो, दोस्तों तिजोरी या अलमारी में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की तिजोरी या अलमारी में घर में धन रखने के स्थान पर मोर पंख रखने से धन में वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, सदियों से इस धन को आकर्षित करने का एक शक्तिशाली उपाय माना जाता है। दोस्तों, इसके लिए आप तिजोरी के अंदर या उसके ऊपर मोर पंख रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मोर पंख का मुंह अंदर की ओर होना चाहिए। तो दोस्तों ये अवश्य ध्यान रखें। बैठक रूम पर। जी हाँ दोस्तों, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का स्वागत करने के लिए आपका प्रवेश द्वार यानी कि बैठक रूम के पास मोर पंख रखें। दोस्तों, इसके मनमोहक और जीवंत रंग से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और इससे एंट्रेंस रूम का माहौल शांतिपूर्ण बना रहता है, साथ ही घर में धन का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप मोर पंख का ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में रखते हैं तो दोस्तों तभी इसके समान लाभ आपको होता है। तो दोस्तों अवश्य रखें। मोर पंख रखने की बेस्ट दिशा। जी दोस्तों, जहाँ तक दिशा की बात की जाए तो दोस्तों उत्तर दिशा में मोर पंख रखने से कुबेर देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं और धन लाभ होता है। आपको बता दें कि उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है। इस स्थान पर मोर पंख रखने से दोस्तों भगवान कुबेर की या दोस्तों कुबेर जी प्रसन्न होते हैं और आपके घर में रुपए पैसों का भंडार लगा देते हैं। तो दोस्तों अवश्य रखिएगा। दोस्तों, यदि आप मोर पंख से जुड़े इन वास्तु टिप्स को अपना रहे हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। सबसे पहले शर्त है कि मोर पंख को हमेशा साफ सुथरा रखे, कभी भी टूटे हुए या क्षतिग्रस्त मोर पंख को घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इसे हमेशा आदर के साथ रखे। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मोर पंख को किसी धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों ये अवश्य ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा।